सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड, उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी IRFC, जहां पर 8% के करीब तेजी देखने को मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड में भी 7 से 8% की तेजी, और दूसरी तरफ इरकॉन इंटरनेशनल में भी आप लोग देखोगे 8% के करीब तेजी देखने को मिली है। इरकॉन की डिटेल वीडियो में डाल चुका हूं, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लेना भी। और आप लोग देखो, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड है, इन शेयरों में या फिर पूरे PSU सेक्टर में आप लोग देखो काफ़ी शानदार तेजी रही है। तो क्या है कारण भाई PSU स्टॉक में इतनी अच्छी रैली के पीछे? तो आपको पता होगा भी कल के दिन अमित शाह जी की तरफ से बयान आया था एक बड़ा, उन्होंने कहा था कि मार्केट में एक बड़ा शूटअप या फिर एक बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी 4 जून के पहले। बहुत बड़े मौके हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के, वो उनकी तरफ से बयान थे भी, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट जो अभी के टाइम जो गवर्नमेंट है वो फिर से अगर आती है सत्ता में तो हर बार मार्केट अच्छा उछाल देती है, वो उनका मानना है। उसके बाद आप लोगों ने जयशंकर जी का भी यही कहना है, और इसके साथ आज फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनका भी एक बड़ा बयान आया, विकसित भारत इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज किया गया था BSE की तरफ से, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है भाई। तो क्या बयान दिया, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इन शेयरों के आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। जैसा कि यहां पर आप लोग देखोगे, इनका कहना है कि बाजार और बाजार के लोगों को किसी एंजाइटी की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। पॉलिसी स्टेबिलिटी, टैक्स स्टेबिलिटी, यही मार्केट को आप लोग देखोगे भी स्टेबल करती है, मार्केट में स्थिरता बनाती है। कोई शक नहीं है कि BJP वापस सत्ता में अच्छे नंबर से आ रही है, इसमें ऐसे में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि विक्स में उतार चढ़ाव आए, ठीक है। यानी कि फिर से जो सत्ता में आ रही है इस गवर्नमेंट BJP, वो अच्छे नंबरों के साथ आ रही है। ये निर्मला सीतारमण जी की तरफ से आप लोग देखोगे बड़ा बयान आज के दिन आते हुए नजर आए। प्लान में कोई बदलाव नहीं है, PSU बैंकों के जो विनिवेश को लेकर इनका बयान आया कि प्लान में कोई बदलाव नहीं है, कैबिनेट से मंजूरी जो है अभी कैबिनेट से प्लान मंजूर है, ठीक है। और लेकिन समय देखकर तय किया जाएगा, हम चाहते हैं कि संस्थान भी इसके लिए तैयार हो, पर ये जरूर तय करेंगे कि वैल्यूएशन में कोई गिरावट ना हो। तो वैल्यूएशन के ऊपर भी अच्छा खासा अपडेट आया है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर, देखो मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसी टैक्स स्टेबिलिटी जरूरी है, पॉलिसी जो स्टेबिलिटी है और टैक्स स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अच्छे फाइनेंशियल मार्केट के लिए स्थिरता जरूरी है जो मोदी देंगे भी आपको, ठीक है। भारतीय शेयर बाज़ार ने सबकी कल्पनाओं से बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई दुराई नहीं है। और दुनिया के बाज़ार आप लोग देखोगे ज़्यादातर उनके अंदर अनिश्चितता, लेकिन भारत में अच्छा प्रदर्शन रहा है। भारतीय बाज़ार में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, और आज आप लोग देखो एक बड़ी अपडेट भी आती हुई नजर आई थी, T+0 से जो जैसे सिस्टम की कल्पना विदेश बाजार में लोग नहीं कर पा रहे हैं, और भारत ने यह करके दिखाया है। आप लोग देखोगे T+0 का क्या मतलब है कि आज आपने शेयर खरीदे और सीधे आपके डीमैट अकाउंट में आज ही आ जाएंगे। पहले क्या होता था, ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर से फिर आपके पास T+2 भी होते थे, T+1 भी होते थे, यानी कि उनके अंदर एक एक दिन का, दो दो दिन का टाइम लगता था सेटल होने में। आज वो खत्म हो गए, जीरो कर दिया गया। इसके बाद MSCI इंडेक्स में भारत का हिस्सा दोगुना हुआ है, MSCI इंडेक्स में अब करीब 14% हिस्सेदारी, पहले करीब 6% थी, और कल के दिन फ्रेश लिस्ट भी जारी हो जाएगी भी MSCI इंडेक्स की। उसके बाद टेक के इस्तेमाल से रिटेल डीमैट के जरिए सेविंग का ट्रेंड बढ़ा है, यानी कि जो रिटेल निवेशक है वो अब आप लोग देखोगे FD वगैरह नहीं करते हैं, वो सीधा मार्केट में उतरे हैं भाई। और मार्केट में उतरने की वजह से आप लोग देखोगे मार्केट में बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। FII वाले क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे बाजार इतना अगर सेलिंग आ जाता था FII का, आप लोग देखोगे मई से लेकर, एक जब से मार्केट मई में ओपन हुआ तब से लेकर अब तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए FII ने लगातार सेलिंग किया है, ठीक है। कम से कम 30,000 करोड़ के आसपास आई थिंक इतना जो ना भी इन्होंने सेल किया है इस मई में, यही कोई 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बावजूद भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4-5% की गिरावट आई है। यानी कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद तो आप लोग देखोगे 10-10% मार्केट लुढ़क जाता था आज से पहले, और अभी टाइम आप लोग देखोगे रिटेल निवेशकों की पावर है भाई।
ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर 10 साल पहले 6 लाख करोड़ था और अब आप लोग देखोगे 51 लाख करोड़ से अधिक है AUM। ठीक है, बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है इसलिए FD का जो पैसा है वो मार्केट में आ रहा है भाई। कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में भी 3 साल में 30% की ग्रोथ आई है और घरेलू निवेशक FPIs के खिलाफ काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि FII अगर बेच रही है तो हम खड़े हैं उसके सामने। ठीक है, सेविंग को लेकर निवेशकों की सोच बदली है और लेकिन विपक्ष की नहीं, ये विपक्ष के ऊपर कार्रवाई की, ये भी कटाक्ष किया। JP Morgan और ब्लूमबर्ग के इंडेक्स इंक्लूजन से और भी पैसा आ गया है, तो ये अपडेट रही है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है और इसका जो इफेक्ट है वो भी हमें मार्केट के ऊपर भी पॉजिटिव देखने मिलेगा कल के दिन फिर से। और इससे पहले अमित शाह जी ने भी कल बयान दिया था, बड़ा बयान मार्केट को लेकर, वो भी आज हमें मार्केट में देखने को मिला। तो चलिए अब देखते हैं इन शेयरों में आगे कैसे क्या हो सकते हैं लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी IRFC में एक बार फिर से ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है और जो 152 रुपये का लेवल था वो स्टॉक ने आज फिर यहाँ पर ब्रेक किया है और जो नीचे के आप लोग देखोगे लेवल से जो ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड बना हुआ था, वहीं से जो स्टॉक है वो हमें रिकवरी लेते हुए नज़र आया है। आप लोगों के सामने भी माहौल देख सकते हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन से फिर से उठाना और उठा भी ऐसा कि ज़बरदस्त और फिर से 152 के ऊपर में आया है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी फिर से लागू होगी, 152 के ऊपर में हमारी एंट्री और इसके नीचे में एक बार हम लेंगे। तो वो आप लोग देखो फिर से 137 का सपोर्ट था भी इससे पहले नीचे में जो रिस्क लेना चाहते थे और रिजल्ट इसके आने वाले हैं भी 20 तारीख को और 21 तारीख को आएंगे भी इरकॉन इंटरनेशनल, उसने भी डेट अनाउंस कर दी है। इसके पहले आप लोग देखोगे 17 तारीख को आ जाएंगे आई थिंक जो हमारी ओरिजिनल है इसके, ठीक है। तो ये इसके लेवल अगर अभी के टाइम सपोर्ट की बात करें तो 152 रुपये के आसपास का नीचे में सपोर्ट है भाई, तो इसके ऊपर काम कीजिए 152 के सपोर्ट पर। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर आप लोग देखो रेल विकास निगम को लेकर जो लेवल्स आपको दिए थे 248 का सपोर्ट, वहाँ से स्टॉक में फिर से वापसी हुई है, अच्छी वापसी हुई है, स्टॉक फिर से 270 के ऊपर में आए हैं। तो आपको बोला था ना अभी 270 नीचे में एक बार थोड़ा सा विराम लीजिए और जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं उन्हें देखो भाई गिरावट में मौके ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो ना अभी चांस है जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, ज़्यादा इसको दिमाग पे भी नहीं लेना भाई, क्योंकि देखो फाइनल रिजल्ट का इलेक्शन का जो अपडेट है वो नहीं आया, बस बयानबाजी हो रही है, इधर से विपक्ष भी तो कर ही रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो 270 के ऊपर में स्टॉक फिर से निकल रहा है जो कि बिल्कुल अच्छी बात है और यहाँ से चांस है अगर ये स्टॉक 270 के ऊपर में रहता है तो 294 तक के मूव स्टॉक में आ सकते हैं रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 300+ के अगर ये मूव स्टॉक दिखा पाएगा वो रिजल्ट के बाद ही, रिजल्ट इसके 17 तारीख को है, देखते भी कैसे आएंगे। और इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 248 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।